अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल जियास। आप देख रहे हैं YouTube चैनल स्वैगी राजपूत। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको मेरे कल वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। शॉर्ट जरूर था पर अच्छा था, क्योंकि कल बैटरी डैमेज मोबाइल की पता नहीं क्या है। सैमसंग के मोबाइल की बैटरी डैमेज का वो पता ही है, कम ही होती है। तो मोबाइल की बैटरी कम थी, इसकी वजह से मोबाइल बंद हो गया। ब्लॉग ज़्यादा बन तो नहीं सका, पर जो बना वो वही बना। तो रेडी शेडी हम हो चुकी है, खाना भी खा लिया है। तो आज का दिन मेरे लिए तो नहीं, मेरे छोटे भाई के लिए स्पेशल है, क्योंकि वो आज के दिन पैदा हुआ था। तो आज आपको मैं अपने छोटे भाई से मिलूँगा, जिसका नाम आसिफ इजाज़ है। तो बेसिकली मेरे पाँच भाई हैं, जिन एक से आपको मिलवा दिया था, जिसका नाम उस्मान इजाज़ है। और अब आखिरी वाले से मिलने के जो लास्ट में है, जिसका नाम आसिफ इजाज़ है। पाँच भाई और एक छोटी सी बहन है। तो आज आपको मिलवाते हैं छोटे भाई से। तो छोटा भाई कैमरा मैन भी कर रहे हैं, तो उसको बुलाते हैं। हाजी भाई, हाजी भाई ब्रदर, थैंक्स। ये है आसिफ इजाज़, हम सबसे छोटा है। करीबन मुझसे तो 5 साल छोटा है, बड़ों से तो बहुत छोटा है। पर माशाल्लाह देखते रहे कि इतना बड़ा है। सब कजनों में, सब भाइयों में माशाल्लाह काट लगा है। बाबा के साथ रहता है, दोस्त इसके कोई भी नहीं है, बाबा इसके दोस्त है। क्यों भाई? Yes. इसी तरह बिल्कुल बाबा के अलावा कोई दोस्त नहीं आपका? क्यों? कोई दोस्त नहीं बनाने? क्यों दोस्त बनाने चाहिए यार? लाडला भी है, शरारती भी है, हम सबका लाडला भी है और लाडला भी है। तो बड़े ब्रदर, आज का दिन आपको मुबारक हो और आपको सारी खुशियाँ मिले। हम सब आपको ऐसे ही प्यार करते रहे, पर आप भी हम सबसे ऐसे प्यार करते रहे। कुछ बोलना चाहिए? बस क्यों कुछ बोलना नहीं है? क्यों नहीं बोलना? शर्मा क्यों रही हो? कैमरा नहीं है, ऑडियंस कर लो। रोज कहता हूँ, रोज क्या कहता हूँ? शिव जा को लेने जा को ले लिया, जा को लेने जा को ले लिया, जा को उठा लिया है ना। चलो आज मैं आसिफ के साथ हूँ, तो आज मैंने शिव को उठा लिया, आसिफ को भी ले लिया। आसिफ आप किधर जा रहे हैं? जा के पास जा रहे हैं। बेसिकली हम क्या करें यार, अब करना पड़ता है। अब जा के अलावा कोई मेरा है ही नहीं दोस्त जो मेरे साथ रोज ब्लॉक में हो। तो हम दोनों कट ही रहते हैं हमेशा, ब्लॉक से पहले भी और ब्लॉक के बाद भी। तो अब हमारा सीन कट ही है, तो अब क्या करें? जा को लेना भी पड़ता है, जा को उठाना भी पड़ता है, जा कभी मुझे उठा लेता है, ले लेता है। अच्छा, तो ये सीन तो अब चलते ही रहेंगे, क्या करें? मुसीबत यार, अब दोस्ती की है तो निभानी तो मैंने है ही है। और वैसे भी हम कजन हमेशा साथ ही रहने, मैं और जा हमेशा साथ ही रहते हैं। हम लोगों ने कुछ दिन के लिए किधर जाना भी है, पक्का पक्का प्रोग्राम बना है। तो वहाँ पर भी ज्यादा मैं इकट्ठे ही हैं, बेसिकली ज्यादा मैं हमेशा साथ ही रहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि भैया से अभी रिश्ता सा ही है। तो क्या करें यार, हमारा प्यार ही कुछ ऐसा है, बहुत सारे दोस्त हैं भाई, होता है कजनों में कुछ कजन आपके बहुत ही हसीन हो जाते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कोई कजन होते हैं। तो हमारा जो बाहर से आए जो मेरे साथ हमेशा रहता है, मेरी हेल्प करता है, क्योंकि मैं उसकी हेल्प करता हूँ। वो एडिट वो करता है, बड़ा मेरा हूँ। चलते हैं उसके पास, उसे कुछ बातें करनी है, उसे कुछ पूछना है, कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं। चलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। थैंक यू। ले जी आसिफ साहब, आपने किसको उठा लिया? जाक उठा लिया है। ये बॉय। अच्छा, साथ उसामा भी है? उसामा भी आ गया है, कुदरती बात है। कुदरती उसामा को बिठा लिया, पर उसामा को तो हम उठा ही नहीं सकते। उसामा बहुत भारी है। उसामा बला है, बला बड़ी वाली। उसामा बहुत बड़ी ए, देखे ये तो चलो हम इसको उठा लेंगे, इसको कैसे उठाएंगे? म्यूजिक।
ले जी फिजान साहब कैसा है? तू कल किधर था? हमने कल गेम करनी थी, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ज़िया पैसे दे। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाच ही रहे। देना। ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। हाँ। किसके लिए कमा रहे हो? सुबह 7 बजे गए हुए हो तुम दुकान पे। हाँ। किसके लिए कमा रहे हो? शादी करने के लिए। तुमने एक ना एक दिन चले जाना है दुनिया से, को हमें खिला के जाओ। शादी करने के लिए? शादी तुम्हारी करवा देंगे, टेंशन ना लो, आंटी से कहता हूँ मैं। बल्कि आंटी ने मुझे कहा इसके लिए रिश्ता ढूंढो। अरे शादी करवा ना, फिर मैं खिलाऊंगा। भजन वीडियो में कोई देख रहा है तो इससे शादी करनी है तो बताए, रिश्ता हो किधर को, हम इसका नंबर दे इसका। हमारा हमारा बच्चा कब आ रहा है? तुसी दो दो दिन लगे। Serious? कहता बैठा तो 15 मिनट तो बैठता, वो बाहर जाता है, कुछ शायद नजर आए, कोई फ्रेश पीस देखो, कुछ शायद नजर आए। यार हमारी यार लैंग्वेज हम पंजाबी हैं भजन, पंजाबी है बिल्कुल। उर्दू बोलते हैं सिर्फ, टुट्टी भजी उर्दू निकलती है आपसे, जितनी निकलती है, जितनी निकल रही है आप लोगों के लिए निकाल रहे हैं। क्या करें हम पंजाबी हैं, उर्दू है निकल पंजाबी जाती है। यार क्या करें हम हैं पंजाबी, ऊपर से सराकी वाले इलाके से, ठोस पंजाबी है। फिर क्या कर रहे हैं, क्यों बोलते थे उर्दू कभी किसी जमाने में? बचपन में कोई जमाना था हमारा भी उर्दू बोलने वाला। बस अब कोई नहीं, कभी कभी हम पेंटे भी पहनते थे। बिल्कुल अभी भी है, लेकिन तो वो थोड़ी सी अब हमने खुली खुली सी ली हुई है। ये पेंट इसलिए हमने खुली लिया कि पीके वाला सीन ना हो जाए हमारा, पीके वाला सीन ना हो जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चलें शेब भाई, मगरिब हो गई है, हम निकलते हैं फिजान लोगों के पास, वो भी हमारा वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा आपसे मिल लेते हैं, थोड़ा सा गुफ्तगू शुफ्तगू करें, मजाक करें आपके साथ, तो अगर जो हम मजाक गलत किया उसके लिए सॉरी। चलें। माइंड तो नहीं किया? माइंड किया, कर भी लो तो। कर ले, की कर लेंगे माइंड करे, 7 साल तक कुछ नहीं किया, होने की कर लेंगे। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। नहीं जी थोड़ी वजह तो, सिर्फ थोड़ी वजह तो मेरी तो ज्यादा लड़ाई हो रही है। आ चल 1 2 3 कवर A few moments later. ले जी आसिफ का केक ले रहे हैं। कौन सा केक लेना चाहिए, ऊपर वाला, नीचे वाला या से नीचे वाला? तुम क्या कहते हो? मुझे भी यार यही प्यारा लगा है, यही अच्छा केक है, खूबसूरत भी लगा मुझे, न्यू स्टाइल में। ज़िया और मैंने केक उठा लिया है। ज़िया भाई क्या उठा लिया आज? हमने आज केक उठाया है। आज हमने केक उठा लिया है। आपको वो सुबह बताया था कि आज आसिफ की बर्थडे है, तो हम सब कजन बैठे थे, मैं फिलहाल सामा बैठे थे, सोच रहे थे क्या करें क्या करें, तो दिमाग में यही आया कि केक ले जाते हैं, थोड़ी सी कटिंग वगैरह कर देते हैं, आसिफ की बर्थडे थोड़ी सी मना देते हैं। तो अब चाह रहे हैं हम घर, आसिफ घर पे है, आसिफ को जाके थोड़ा सा सरप्राइज देते हैं।
ले जी हम तो पहुंच चुके हैं सामा फिजान का, वेट करेंगे अब यहाँ पे थोड़ी सी देर खड़ा होके। तो अभी असीब को जाके सरप्राइज देते हैं। फिजान लोग आ गए हैं, चलाओ फिजान यहाँ पे ब्लैक आ गई तस्वीर। यार फिजान क्या लेके आए? मैंने कहा मेरे कजन की यार साल गिरा है, चलो कुछ ना। अच्छा ये ले आयो, चलो यार दरवाजा खड़का यार, बेल दे दे। अब देखते हैं आसिफ का क्या रिएक्शन होता है, भी पता चलता है कि आसिफ क्या रिएक्शन देगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक। हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे। देखो सारा तो बड़ा है। लार ये देखिए, ये किसी दौर में ज्यादा पकड़ना है ज्यादा भाई, ये पहले किसी दौर में कितना सा होता था। आप देख रहे माशाल्लाह, ये दौर चेंज हो चुका है। इधर देखो, वो दौर था बचपन का, ये दौर है जवानी है। बिल्कुल असीब भाई, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो? हसीब ना आज बहुत खुश लग रहा है अपनी बर्थडे पर। ऐसा तैयार हुआ जैसे शादी पे नहीं जा रहा। ये देखो ले जी, ये बर्थडे का सामान जो फिजान लोग ले आए थे, और ये पोपट वगैरह आ चुके हैं, गुब्बारे, और ये डेकोरेशन करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी। फिजान साहब कर दोगे? इसलिए आए हम, मुबारक देने आए हैं, कजन को मुबारक दें और थोड़ी सजा सजू दें। हाँ ये केक आ गया हमारा, केक भी आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।